संबल थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर मालनी लगभग 8000 लोगों की जनसंख्या वाला गांव है, जिसमें 8000 लोगों में से लगभग 6 से 7 हजार लोग बुखार, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू वायरल फीवर से पीड़ित है। पूरे गांव में लगभग 80% लोग बीमार है। गांव में जितने भी गरीब लोग हैं एक दूसरे से कर्जा लेकर, पैसा उधार लेकर, अपनी जमीन गिरवी रखकर, जेवर गिरवी रखकर अन्य कई हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। संबल जो चतुर्वेदी अस्पताल है वहां की हर मंच पर मोहम्मदपुर मालनी का व्यक्ति मरीज पड़ा है और घर में बीमार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाँव के अंदर जो सरकारी नलकूप जो पानी की टंकी लगी है इसमें भी गंदा पानी आ रहा है, पानी में कीटाणु आ रहे हैं, इसमें दवाई और ना ही इसकी कोई देख हो पा रही है। इसकी वजह से गाँव के लोगों का कहना है कि हो सकता है इसकी वजह से गाँव में बीमारी फैली है। गांव में इतना भयानक वायरल फीवर चल रहा है कि हर घर में 2 से 3 लोग बीमार है, हर घर में 1 से 2 लोगों के बोतल लग रही है, नीडल लग रही है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी कोई डॉक्टर गांव की तरफ रुख नहीं कर रहा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बीमारी है? बुखार आ रहा है। कौन से गांव के रहने वाली हो आप? कितने लोगों को बुखार आ रहा होगा यहाँ पे? क्या नाम है आपका? निगत। कौन से गांव के रहने वाली हो? मैं मोहम्मदपुर माली। क्या बीमारी चल रही है आपके? बुखार आ रही है बहुत। कितने लोगों को बीमारी होगी? घर घर में बीमार है। क्या नाम है तुम्हारा? अरीवा। कौन से गांव के रहने वाली हो? मोहम्मदपुर माली। क्या बीमारी है तुम्हारे गाँव में? डेंगू बुखार, सबको बुखार आ रही है। क्या नाम है आपका? रेहाना। कौन से गाँव के रहने वाली है? मेहमदपुर मांडली की। अच्छा, क्या है ये बीमारी? हर किसी को बीमारी है, हर किसी के बोतल लग रही है। बुखार। कितने लोगों के होगा ये लगभग गांव में? गांव में तो बहुत लोगों के, ऐसे तो बहुत। अभी तक यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर आए नहीं? आए नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जुनैद। कौन से गांव के रहने वाले हो? मोहम्मदपुर मांडली। क्या बीमारी है तुम्हारे गाँव में? टाइफाइड और डेंगू बीमारी चल रही है। कितने लोगों को होगा? बहुत तो होगा। क्या नाम है आपका? जलीस। कौन से गांव के रहने वाली हो? मोहम्मदपुर। कितने लोगों को यहाँ तबीयत खराब होगी? यहाँ तो पूरे गांव में पड़ेंगे सब। अच्छा, अधिकारियों से संपर्क करा ना? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम मोहम्मदपुर माली है। क्या बीमारी चल रही है आपके गांव में? बुखार चल रहा है यहाँ। कितने लोग बीमार होंगे गांव में? करीब 80% लोग बुखार आ गया होगा। क्या यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर वॉक्टर टीम आई नहीं? ना, कोई टीम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद खान है। कौन से गांव के रहने वाले? माली के रहने वाले हैं। आपके गांव में जो बीमारी चल रही है क्या वजह हो सकती है, कितने लोग बीमार हैं आपके गांव में? देखिए, यहां हमारे गांव मोहम्मदपुर माली में लगभग 20 दिन हो गए और पूरे गांव के अंदर वायरल फीवर है, घर घर बुखार पड़ा हुआ है। इतने हाल खराब है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बीमारी नहीं है बुखार की। किसी को डेंगू है, किसी को ये मलेरिया है। कितनी जनसंख्या हो गई आपके गाँव की? हमारे गाँव की जनसंख्या लगभग 8000। 8000 में कितने लोग बीमार होंगे? 8000 में अगर कुछ ना होंगे तो 6-7 हजार जरूर बीमार होंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर की टीम? कोई डॉक्टरों की टीम नहीं आई है, अभी किसी ने शिकायत नहीं की है। और जो गरीब लोग हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब हाल है। ये समझ लीजिए आप, तो उधार ले लेके, कर्ज कर करके, एक दूसरे से ले लेके पैसे इलाज करा रहे हैं अपना, और जहाँ जिसका हिसाब है प्राइवेट डॉक्टरों के पास। और पूरे घरों में बोतलें की बोतलें चल रही है, धड़ाधड़ इंजेक्शन लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मुमताज सैन नाम है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर मालनी। अच्छा, ये आपके गांव में क्या समस्या चल रही है, हर घर में कितने लोग बीमार हैं, क्या है मामला, पूरा बताएंगे आप जरा? मतलब ये हर घर में 2-4 मरीज हैं, अगर किसी के घर 4 आदमी हैं तो उसमें 3 आदमी जरूर बीमार है। मेरे घर में खुद 3 आदमी हैं तो 2 आदमी बीमार है और मैं अकेला कोई ठीक हूँ। रात में ये भी थोड़ा सा झुरझुरी आई थी बुखार की, फिर मैंने गोली खाई है। क्या बीमारी चल रही है आपके गाँव? मतलब तेज बुखार आता है और वो कुछ डेंगू जाँच कराई है तो डेंगू रिटर्न हो रहा है उसमें, और मतलब बहुत परेशानी है। इसकी समस्या कैसे समाधान हो सकती है? मतलब कैंप लगवाए जाए, और वैसे भी जो है मतलब टंकी उंकी का पानी देखा जाए, हम टंकी का पानी पी रहे हैं, साथ में बराबर में धीमरखेड़ी गांव है, उसमें जो है मतलब वो है ही नहीं कोई बीमार, बहुत कम बीमार है, और हमारे गांव में घर घर में बीमार पड़े हैं। ये बीमारी की क्या वजह हो सकती है? हो सकता है मतलब ये कि पानी खराब हो, या मतलब जैसे गर्मी है, और मतलब ये है कि हम लोग जो है वो गंदगी बहुत ज़्यादा है, तमाम चारों तरफ घूर घूर पड़े हैं।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। कौन सा गांव का रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर मालनी। क्या मामला है पूरे गांव में जो बीमारी चल रही है बताओगे थोड़ा? है मलेरिया बुखार है, गंदगी से हिसाब से गंदगी कोई करना नहीं आ रहा, सफा यहाँ कोई दवाई बवाई नहीं हो रही, ना कोई डॉक्टर आ रहा है देखने। अच्छा, किसी से आपने अभी कोई शिकायत की? शिकायत नहीं की है। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे आपके गांव में? हमारे गांव में करीब होंगे 90% लोग बीमार हैं। इनकी दवाई कहाँ से चल रही है सब लोगों की? सभी जगहों से चल रही है, जैसे जो अच्छा लग रहा है वहीं से ला रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हमारे यहाँ उन पर पैसा नहीं है, कर्ज पानी कर सूद पर लेकर अपनी दवाई कर रहे हैं, कुछ बेचारे अपने घरों में पड़े हैं ऐसे ही बीमारी में मर रहे हैं, तमाम बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर पैसा नहीं है, वो इलाज ना करवा पाएंगे? जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर पैसा नहीं है, अपना इलाज नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा बीमारी है। बोतलें मेरे लग गई हैं। कितने बोतल लग गए आपका? 13 बोतल लग गई, 13।